सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और अब तो कौन सी सरकार है ना, ये सरकार तो बेहद खतरनाक सरकार है। ये बोलने की कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर अपना काम पूरा कर दी है। सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश, दर्द यहां पे, वहां कुछ हो रहा, दर्द यहां पे, गया एक नहीं वहां पर लाठी लेकर। 10 दिन पहले से इनका एजेंडा तैयार हो गया है भारत सरकार का कि हिंदू मुस्लिम देश में दोबारा करवाए जाए। इनके लाठी वाले हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, ये बयानबाजी नफरत यहां फैलाएंगे, ये इनका एजेंडा है। वे बदला लेंगे अब की बार। 750 किसान शहीद हुए हैं, ये किसान बदला भी लेगा और किसान ये पलटा भी मारेगा। अपने संगठन को मजबूत करो, ये संगठन ही इस देश को बचावेगा। धन्यवाद। अब हमारे बीच में मेरठ से सुरेंद्र सिंह जी ढंडेरा, जो 98 साल के आयु में है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी किसानों, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे खास चौधरी, भिन्न भिन्न जिलों से आए जिलाध्यक्ष और कमेटी के लोग, ये जो पंचायत है जो 17 तारीख की होती है, अभी मलिक साहब ने बताया कि ये 86 से शुरू हुई, तो इसको 38 साल हो गए। देश आजादी को 78 साल और इसको 38 साल, तो ये तो आजादी के 35-36 बाद में ही शुरुआत शुरू हो गया था। 30-35 साल लोगों ने देश आजादी में व्यतीत करे, फिर जो समस्या आनी शुरू हुई तो फिर अपना आंदोलन बनाकर फिर शुरू हो गए और 38 साल हो गया। आज सरकारों के बहुत षड्यंत्र रचे गए सरकारों के द्वारा, किसानों को कैसे बर्बाद करा जाए, गांव के लोगों को कैसे उनकी हालत खराब करी जाए, फसलों के दाम ना देना, गांव को रोजगार ना देना, ये प्राथमिकता अभी 10-15 साल से ज्यादा आई। और अब तो कौन सी सरकार है ना, ये सरकार तो बेहद खतरनाक सरकार है। ये बोलने की कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर अपना काम पूरा कर दी है। इन्हें भी चुप कर भाई, कौन सी बीमारी है ये? अरे बंद करो। अभी जो इनका 10 दिन पहले एजेंडा तय हुआ, वो एजेंडा सुनो, इनका क्या एजेंडा है। 10 दिन पहले से इनका एजेंडा तैयार हो गया है भारत सरकार का कि हिंदू मुस्लिम देश में दोबारा करवाए जाए। आपने देखा होगा कि जितने भी चैनल हैं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उन सब पे एजेंडा हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कि इसी मुद्दे को उठा के हमको वोट मिलेगा। सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश, दर्द यहां पे, वहां कुछ हो रहा, दर्द यहां पे, गया एक नहीं वहां पर लाठी लेकर। अरे अगर वहां पे कुछ हो रहा, आप बताओ भाई, जाओ और ये किसान कहां गए, आप हमको दे दो जाता, तुम्हारे ट्रैक्टर तो आप रोकते हो, हम चले लेकर बॉर्डर पार हमको करवा दो, अगर एक भी दंगा हो जाए वहां पर। लेकिन इनके लाठी वाले हैं, ये कुछ नहीं करेंगे,
ये बयानबाजी नफरत यहां फैलाएंगे, ये इनका एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है खाप पंचायतों को कैसे तोड़ा जाएगा। इनका एजेंडे पे काम हो रहा है कि खाप पंचायतों को तोड़े जाए, उस एजेंडे पे काम चल रहा। कुछ लोग खापों के लोग इन्हें तोड़ के जो सरकारी खापे बनी हैं उनसे चिट्ठी दिलवा रहे हैं, नई खापे खड़ी कर रहे हैं। संगठन दुनिया भर के संगठन बनवा दिए। क्या कोई एक भी भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ? भाई आप एप्लीकेशन देख देख लो और अपने नाम से देख देखो, रिजेक्ट होती है क्या? दोनों आप एप्लीकेशन तो के भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र नाम से ये पार्टी रजिस्टर्ड करते हैं, देखो करते। अलग अलग संगठन बनाएंगे, जातिवाद संगठन बनेंगे जातिगत आधार पे, फसलों के अलग संगठन बनेंगे और संगठन बनेंगे। बीमारी बहुत है लोगों के, लेकिन इन सबसे आपको निकल कर चलना है। नदियों में मगरमच्छ हैं, सवारी उन्हीं की करनी। हरियाणा वाले बहुत सहयोग कर रहे हैं, हरियाणा बहुत मददगार है। टाइम आ गया उनका उधार सा तारने का, बदला ले लो बदला और पलटी मरवा दो। एक बार वहां को हिम्मत नहीं करवा दो, महीने एक का झटका मरवा दो। डंगवारा भी तो करते थे, रिश्तेदारी अठवाड़िया हरियाणा में ही बन जाओ। वे बदला लेंगे अब की बार। 750 किसान शहीद हुए हैं, ये किसान बदला भी लेगा और किसान ये पलटा भी मारेगा। अठवाड़िया तो होते थे ना पहले भी, अपना जाओ चक्कर लगा दो वहां पे, उनका भी लाना तो उतर जगह। काम तो उनका बनी रहा था और हादसा लग जाएगा। और पलटा घास पत्थर जब हो जाना पड़ेगा, पलटे के रहा घास भी खत्म नहीं होता। ये जाएंगे जम्मू से भी जाएंगे, हरियाणा से भी जाएंगे, इनके पलटा सब जगह लगेगा। इनकी नजर जमीन पे है, जमीन पे आप हो रहे खुश के जमीन महंगी होगी। महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है, सस्ती जमीन किसान। फसल सस्ती, जमीन महंगी और कर्जा कितना ही ले लो, कहां से पूरा पाड़ोगे? एक गांवों में बीमारी आ रही, बैंक आ रहे प्राइवेट, गांव की बीरबानियों को दे रहे कर्जा, वो पता भी नहीं आपको। और वे कर्जा फिर घर से कर्जा वसूली करने भी आते हैं। आदमी बेचती मान के फिर कुछ न कुछ देगा, कर्जा लेके काम नहीं चलने का। कर्जा लेके दी ही कोथड़ी थापती नहीं, खर्चे भी बहुत पाड़ दिए। तीज त्योहार ज्यादा आ गए, इन्हें कम करो कम। और अगर इतनी स्पीड से बढ़ते रहे तो जमीन बिकेगी, और आज से 20-30 साल बाद में क्या करोगे फिर? भाई जन्मदिन, करवा चौथ, दिवाली, होली, ये थोड़ा बता के इस पर खरीदी करनी है। वे व्यापारी 12-1 बजे लोग को दीपावली पे अपनी दुकान पर है, वो अपने घर नहीं जाता। आप 250-2000 किलोमीटर दूर से भी घर आओगे, कहते के भाई घर पे बर्तन भी खरीद लेने। आप लूट मछली पूरा बाजार का बाजार, अरे टाइम पे जो जरूरत हो उसको खरीद लो।
तो ये भाई थोड़े से खर्चे कम कर लो, अपने संगठन पर ध्यान दे लो, 10 रुपए की मेंबरशिप, मेंबरशिप के पैसे उसी से ही लो, जिससे रसीद दो से वो 10 रुपए देता हुआ इसकी जाओगा, वो चंदा दे देगा, लेकिन मेंबरशिप मुश्किल लेता है, उसका पता चल जाए कि ये इसकी आस्था है या नहीं है। चंदा तो सब दे देंगे, कोई बस जान लगे यहाँ पे दिल्ली के लगभग जाओ किसी पार्टी को आदमी दे दे, चल मैं चला जा, कोई बात नहीं ले जाते, काम का बन जाएगा, प्रैक्टिकल कट लिया, और उसे कह ले तू मेंबरशिप ले लो, तो मेंबरशिप ले लेता, तो 10 रुपए का मेंबर बनाओ, गांव का धन गांव में रखो, जिसका जन्मदिन हो रहा है पेड़ लगाओ, उतने ही झंडे दान कर दो गांव में, झंडे बहुत सारे, बिल्ले बहुत सारे, भाई बुढ़ा बुढ़ा भी जन्मदिन मनवा रहा, 72 साल का झंडे तो दे दे, 72। मैं तो क्यों 100 साल और दान करूं ना कुछ भी, तो ये जो सारे इशू हैं, बहुत से उठे उठे पंडित जी, है सिकंदरपुर में एक पुड़ का मामला है, वहां पे वो पानी में बैठे कई कई घंटे, 15 अगस्त को बम्बे दबने हैं वहां पे, क्योंकि कुछ खेत नदियों के दूसरी तरफ है, अधिकारी से बात करना भी सीख लो, अधिकारी भी बेलगाम हो रहे, सब बेलगाम हो रहे, अधिकारी के पास में जाओ, लिखत पढ़त में दो, जब जाकर काम चलेगा, और इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनसे डरपोक सरकार से डरपोक कोई सरकारें है नहीं, ये डरती हैं, आप जितने डर जाओगे ये आपके घर तक निपट जा छोड़ने के, वहीं छोड़ पाओगे आप, इनसे मुकाबला करना पड़ेगा, ये संघर्ष, ये नहीं पता भाई कैसा चलेगा, हमको तो जानकारी है नहीं, लड़ाई है, संघर्ष हो रहा है, उसका रूस का यूक्रेन का युद्ध ऐसा लगा था कि रूस थोड़े से दिन में निपटा था, लेकिन साल से भी ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो लिया, 2.5 साल हो लिया, डरा पूरा का पूरा, तो इस संगठन पे बहुत की नजरें हैं, अपने को बनाकर रखो, दूसरे के खिलाफ तो कुछ बोलो ना, बहुत आपके बीच से जाएंगे, ना जान दो, ना टेंशन लेने की जरूरत है, 160 करोड़ जनता हो रही देश में, लिखत पढ़त में कम है, वो बहुत है, ये सबका पूरा पैट देगी, अपना कह रहे खर्चे से कम कर जाओ, अपना मीटिंग कर जाओ, ट्रैक्टर पे यात्रा ही निकाल ली, अब की बार हमने अलग एहसास किया, हम तिरंगा यात्रा निकाल ले तो हमारा तिरंगा अफगानिस्तान थी, ये तिरंगा निकालने तो इनका तिरंगा भाई अपना, हमारे तिरंगे यात्रा पे बैन, हमारे ट्रैक्टर भी नहीं जान देते, और आप अपने तिरंगे घर घर तिरंगा, अब क्या कौन सा ट्रैक्टर जहां पर रुकेगा, या तो उसको बताया जहां तक वहां पर जाएगा, नहीं तो अपना टोली रख पर ट्रैक्टर भाई उल्टा नहीं आनेगा, बहुत ट्रैक्टर रास्ते में रुके, उन्होंने ट्रैक्टर जहां बता दिया अगर डीएम के वहां बता दे तो ट्रैक्टर डीएम के वहीं जाएगा, वो चेहर जाओ तो 8 दिन में, सबसे लंबा धरना 9 तारीख का मेरठ में चला अनुराधर का, ये अपने घर वापसी आए, पूरा दिन चले, पूरी रात रहे, रात को 1:30 बजे एमडी से मीटिंग हुई, अधिकारियों से मीटिंग हुई, और 6 बजे वहां से फिर टेंट ठंडा, 7 बजे आने का ये सोए, भाई पंखों में सोने की आदत ज्यादा पड़ेगी, पहले ट्रेनिंग पदाधिकारियों को देनी पड़ेगी, और नहीं तो ये भाई जो हाड़ी पाड़ी है या चार्ज इनको देना पड़ेगा, अगर वहां पर नहीं लेट सकते सड़क पे तो भाई चार्ज इनको तो चार्ज छोटो लौटना पड़ेगा सड़क पे, हम भी जब हरियाणा में गए
वो हरियाणा में हम ढूंढते सड़क के ऊपर, जब वहां पे कुरुक्षेत्र में था सड़क पर, सड़क बहुत गर्म थी और भाई जब रात को देख के हमने उठ के वहां 2:30-3 बजे तो वहां 85 की आय दिन थे और घास ऐसे उछला था, उनका कहते जी तत्ती सड़क है, ताती सड़क, वो कहा भाई ताती सड़क और जा कहा लिए सारे एक जी होटल को जा रहे भाई, जिस ताती सड़क पे नहीं लौट सकता वो पद छोड़ दो। पहली ट्रेनिंग यही होगी कि रात को कैसे रुकिया, ये ट्रेनिंग छूटगी और ट्रेनिंग छूटगी भी बहुत खराब होगी। ये जो सरकार है ये लंबा गेम खेलती है, लंबा, आपको थका लगी तो हमको भी पॉलिसी लंबी चलनी पड़ेगी। आपके पास में आप धरना दोगे, ट्रैक्टर मार्च निकालोगे, अधिकारी आपके पास आएंगे, रुक जाओ जी मैं तो आपका जानकार हूं जी, आपकी बिरादरी का हूं जी, आपके क्षेत्र का हूं जी, मेरी नौकरी चली जाएगी, तब दुहाई देगा। विजेंद्र सिंह थे वहां पे गाजियाबाद में, रोक के उसका पंडाई ना छोड़ने जी, क्या तो मेरी नौकरी जाएगी नहीं, मेरा चार्ज चला जाएगा। बगा भाई चार्ज तेरा जाएगा या इसका जाएगा, एक का तो जाएगा। इसे अगर 12 बजे लोग को नहीं छोड़ा तो जब भी छोटेगा, जिस टाइम भी अंदर ये छोटेगा, ये 72 घंटे डीएम के घर पर रहेगा ऑफिस में, वो 12:30 बजे छोटा तो फाट लेकर अपना जा लिया भाई, वो रात को उठाया फिर तो भाई जिसको भी रोकेगा या जिसका ट्रैक्टर रुकेगा, या तो ट्रैक्टर को ले जाओ वाग के, और नहीं तो 72 घंटे का कोर्स है भाई, घर आना नहीं, 72 घंटे डीएम के वहां या सड़क पर रहो। इनके कान पकड़ने पड़ेंगे, कान पकड़ के इनके आप जी नहीं बुलवाओ, इतने मन नहीं, ये जाएंगे, ये 16 मात्र नहीं जाएंगे, ये सुताई करवा के जाएंगे, जाएंगे तो ये जाएंगे फिर सुताई करवा के जाएंगे, तो ये सुताई मांग रहे, जैसे ढूंढ ढूंढ के नहीं पकड़े जा रहे हैं, ऐसे ही हाल इनका होगा, वो टाइम आ लिया इनका। अपने संगठन को मजबूत करो, ये संगठन ही इस देश को बचाओगा। और ये विपक्ष वाले भी भाई चाहते हैं उसमें मत रहना कि हमारी जीत और हमारा वो हो रहा, ये भी जरा कान खोल कर सुन ले, अगर कोई हाउस में ढिल्ला रहा तो नाम उसका भी लिखा जा रहा। ये जो चुनाव देश में हो रहे, ये चुनाव भारत सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता के बीच में हो रहे, ना जनता हमारी कुछ सुन रही और भाई ना किसी और को सुन रही, ये पलटा मारेंगे ये बतावे भी नहीं, ये अपना काम करेंगे पूरा। अब एक का झटका था, जरा 1 महीना है, 1 सवा महीना, 1 सवा महीने का जरा सा चिंता, 10-10-15 दिन का, अब इंगे को करते इनका बहुत साथ दिया भाई हरियाणा रोड में, इंगे को थोड़ा झटका सा मार देंगे, अठवाड़िया बन जाओ तो झटके मार दोगे, अपने ट्रैक्टर ले ले चले जाओ, झंडे बांधो, नारा रहेगा बदलार पलटा, आप बदलार पलटा, हम तो भाई पलटा मारने आए, किसी की समझ में नहीं है क्या कहा, वो पूछ रहे थे कल जी आप तो किसी की सिफारिश कर रहे, हम नहीं भाई, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हम तो पॉलिटिकल बात करते ही नहीं, इसके तो बहुत खिलाफ है, हम राजनीति के बहुत खिलाफ है, हम तो उसकी बात करते ही नहीं, हमने तो कहा कि अत्याचार हुआ हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश के किसानों के अत्याचार हुआ, 370 किसान शहीद हुए, ये बदला लेंगे, और बदला भाई बिना पलटे के आता नहीं, ये इसको ज्ञान है, तो अपना काम करो। और 6 अक्टूबर अभी आपके पास में 1.5 महीने से ज्यादा है, इतने ये भी नहीं बट लेंगे, 6 अक्टूबर लखनऊ की मीटिंग रहेगी, दिन तो रहेगा इतवार का,
लेकिन इतवार में भी ठीक है, इतवार में बालक बच्चे नौकरी पैसे वाले घर आ जाएंगे, हमें क्या क्या कोई रजिस्टर पे साइन करने कहीं के इनके स्कूल छूट जाएंगे। खाने में हाथ ठाक का बताइयो, सुहाड़ी का किसे किसे पता सुहाड़ी कैसे बने, सुहाड़ी अजय हाथ रख लो नीचे, अजय जिसको सुहाड़ी का नहीं पता वो हाथ खाइयो। अरे पता तो आप दोगुनी, लेकिन अभी पुलते हैं उनका सीख लो। अपनी सुहाड़ी बनवा के लेके जाइयो, अपना चूरमा बनवा के लेके जाइयो, जहां बाहर जाओ और पूड़े, पुड़ू का पता पूड़े क्या है, पूड़े जो गुरुकुल हैं पूड़े वो सीबीआई से भी ज्यादा काम करें। किसी की लड़ाई झगड़ा हो बोलने पड़ोस में पुलिस वालों को बता दो या कोई बता दो, वो उसका पूरा पाड़ ही नहीं सकता, कह लगा जी नहीं उनका तो मान दो तो ठीक है, मकान नाराज किए हैं आपस में, कहने नहीं थी ठीक है, मुका एक काम करवा दो उनका पूड़े बटवा दो। बोलने में कौन कौन नाराज है वो पूड़े नहीं लेने का, पच पच पूड़े सारे मोहल्ले में दुआ दो, और जो उसका नाराज होगा वो लेने का ही नहीं, तो वही नाराज है उसका इलाज कर लो बस। तो ये पूड़े बहुत बेढंग चीज है, तो भाई पूड़े भी बनवाने सीखो और खान पीन में भी जो रिफाइंड है इसका इस्तेमाल मत करा करो, बहुत खतरनाक चीज है। सरसों का तेल का इस्तेमाल करो, अपने घर का निकाल लो, घी से भी ज्यादा बेहतरीन तेल है सरसों का। रीजनल और सीजनल दो चीज है, जिस रीजन में हम रह रहे खान पीन वही करना चाहिए जो यहाँ पे पैदा हो रही, जिस रीजन में हम और जिस सीजन में, अब यहाँ पर गोभी गाजर खा रहे भाई, गोभी का टाइम नहीं है बीमार होंगे, गाजर खाओगे तो बीमार होंगे, यहाँ पे पैदा ही नहीं होगी, मूली खाओगे तो बीमार होंगे, वो यहाँ की है ही नहीं अभी की। तो खाने पीने में भी ध्यान रखो, मोटे अनाज सरकार एक आधी बात को पकड़ करे, मोटे अनाज पर सरकार भी जोर दे रही वो ठीक है, बहुत सी चीजें सरकार पकड़ कर उसको योजनाओं में जावे, मोटे अनाज का ठीक है सबको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बीमारी कम होगी। ज्वार है, बाजरा है, चना है, जौ है, जई है, इनका इस्तेमाल करो खाने में, अपने घर पे पपीते केले तोरई ये चीजें लगाओ, थोड़ा सा एक बड़ा सा बना लो उसमें लगा लो सब्जी, तो इन चीजों का भी खान पीने पर नशे पत्ती का भी थोड़ा सा भाई हल्का रात में एक सर्वे करा था, इतना ही तो काम सट्टे का है, इतना ही है शराब और नशे का। अगर एक गांव में बाहर से 1,000 रुपए का सामान आ रहा तो 300 रुपए का सामान तो आ रहा खाने का और 700 रुपए का सामान आ रहा नशे का, तो कैसे बच जाओगे? इस पर थोड़ा सी लगाम लगा दो, नहीं तो बर्बादी से कोई नहीं बचावे। एक रंग का डब्बा ले आओ तो एक शराब में एक रंग का डब्बा आ जाएगा, अपने घर पे फेर लो। तो आपने बात सुनी, सबका धन्यवाद है। अभी हमारे एसडीओ साहब हैं, रास्ते का तो करेंगे, ओमपाल का एक रास्ते का मामला है, इनकी दुकान है फुगाना अड्डे पे, एक तरफ से पूरा रास्ता छोड़ा, ओमपाल को मुआवजा ना देना पड़े, रास्ता सड़क नहीं बनाई 40 मीटर की और गड्ढे हो रहे सड़क टूटे, मतलब ओमपाल को मुआवजा ना चले जा, पूरे देश में मुआवजा चला जा, लेकिन यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव को मुआवजा ना चला जाए, लिखेंगे उस पर भी और करेंगे इनका अधिकारी से भी बात, वो तो आ जाए हम वहां गाड़ी नहीं उतर सकती। तो आप भाई बात सुनकर जाना, जो नौजवान है भाई बीड़ी की भी धूं ही धूं है, बिल्कुल वहां बैठ के बैठा नहीं जा रहा, हिसाब लगा लेना पूरे एक साल का कितने की पी गए। तो ये सारे इश्यू हैं, ये रखेंगे, आप सब लोगों का धन्यवाद जो जो यहाँ पाए और आपने बात सुनी।
सबका धन्यवाद, सारे जिला अध्यक्ष और जो नहीं बोल रहे उनका भी धन्यवाद, और जो बोल रहे उनका भी धन्यवाद। लो जी,